स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल से होंगे। आज इस वीडियो के सौजन्य से एक वनस्पति होती है दुधी, उसके कुछ फायदे बताऊंगा जो आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ा सकते हैं, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा। इसका चूर्ण कैसे सेवन करें और किस किस बीमारी में ये लाभकारी हो सकता है, तो मैंने कुछ चुनिंदा बीमारियों पर इसके प्रयोग आज बताऊंगा कैसे प्रयोग करें। दूधी एक घास होती है जिसको तोड़ो तो उसमें से दूध निकलता है। जिन चीज़ों में तोड़ने के पश्चात यदि हल्का मीठा या फेंका दूध निकलता है, समझो वो शरीर को पुष्ट करने वाली वनस्पति या जड़ी होती हैं। जिन वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में अगर कड़वा दूध निकलता है, समझो वो विषैला वृक्ष है, पौधा है, जैसे आक का वृक्ष इत्यादि, आंकड़े का, तो उसमें निकलता है कड़वा दूध। उसको चाटो तो कड़वा लगेगा क्योंकि वो जहरीला विषैला पौधा है। तो ये जो दूधी है इसको कैसे सेवन करना है, किन किन बीमारियों में? सर्वप्रथम चलते हैं आपकी रतौंधी को लेकर के। आँखों में जिसके लिए रतौंधी आती है, शाम के समय से दिखाई देना कम हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए दूधी का पंचांग माने उसकी जड़, पत्ते, तना, बीज, जो कुछ भी उसमें मिले उसको उखाड़ लो प्रणाम करके, और उसको झाड़ करके धो करके अच्छे से उसका रस निकालो। एक से दो चम्मच जिसको रतौंधी आती है, वो एक चम्मच शहद में दो चम्मच दूधी का दूध मिला करके उसको सुबह खाली पेट लेना शुरू करें, और 40 दिन ऐसा करने से बड़ा लाभ होता है। एक बात और बताऊं, इस तरह से दूधी को लेने से जिनको दमा की शिकायत है उसमें भी यह लाभ करेगा, इसी तरीके से लेने से। ऊपर से एक घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं। यदि किसी को नाक से खून गिरता है, नकसीर फूटता है, तो उसके लिए इसका रस निकाल करके आपको दो चम्मच रस निकालना है, और दो चम्मच आंवला का रस, आंवला का रस होता है ना, दोनों को मिला करके, और आधा चम्मच मिश्री मिला दो, पाउडर मिश्री का। ये सुबह के लिए यदि आप लेते हैं 15 दिन में ही आपको चमत्कार महसूस हो जाएगा। परहेज ये करना है जो खट्टी चीज़ें हैं, नींबू और आंवला को छोड़ करके, जो गरम मसाले हैं, मैदा की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा तला भुना है, ऐसी चीज़ों को आपको अपने आप से दूर रखना होगा। तीसरा, आप नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर फेफड़ों से जुड़े हुए ज़्यादा ही किसी को प्रॉब्लम है, श्वास ज़्यादा ही फूलता है, तो उसके लिए दूधी को उखाड़ लो और इसको सूखा करके पाउडर बना लो। क्या बना लो? पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बनाकर रख लो अपने डिब्बे में, और एक चम्मच पाउडर, चाय का एक चम्मच पाउडर आपको चूर्ण लेना है। और इसी में एक तरीका इसके साथ में यह है कि 100 ग्राम दूधी का सूखा पाउडर आपने बनाया, और इसी में आपको 25 ग्राम दक्षिणी जायफल का पाउडर बना के मिला देना है। इनको रख लो, और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है श्वास संबंधित, स्टेमिना संबंधित, तो इसको एक चम्मच शहद के साथ में आप रोजाना चाटो। ये दूसरा प्रयोग है श्वास संबंधी, फेफड़ों से संबंधित विकार के लिए आपको लाभ होगा। यदि आपको बवासीर की शिकायत है, तो वो भी जो मैंने पहला प्रयोग बताया आपको कि आंवला का रस
के साथ में ये लेने से, दूधी का रस और शहद मिला करके लेने से आपको बवासीर की शिकायत में भी दूर होगी, मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही जिन माताओं बहनों के लिए मासिक धर्म में अनियमितता है, दिक्कत होती है, खून की कमी है, तो माँ इसी दूधी का पाउडर, एक चम्मच दूधी का पाउडर आपके लिए गाय के एक गिलास दूध के साथ, अर्थात उसमें गुड़ मिला देना, दूध के साथ यदि आप लेती हैं मासिक धर्म से 8 दिन पहले, मासिक धर्म शुरू होने से 8 दिन पहले, तो आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। हर महीने आप ऐसा ही करें, केवल 8 दिन पहले आपको लेना है। और यदि आप रेगुलर लेती हैं तो आपकी सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी। जिन माताओं बहनों को, भाइयों को कमर में दर्द होता, वो इसी तरह से दूध के साथ, गुड़ के साथ में ये चूर्ण रात्रि में खाना खाने के आधे घंटे बाद लें, अंतिम भोजन के रूप में। यदि आप अपने सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, आपका जो शुक्राणुओं का कोष है, शुक्र कोष है, वो कम हो गया है, क्षीण हो गया है, तो उसके लिए आपको मिश्री पड़ा हुआ भैंस का दूध के साथ में 1 चम्मच यही पाउडर, दूधी का पाउडर रात्रि में लेकर के आप सो जाइए और लगातार 40 दिन आप ऐसा करिए, फिर देखिए चमत्कार इससे कितने फायदे मिलते हैं। एक और प्रयोग है इसी में कि यदि किसी को सर्प ने काट लिया हो तो दूधी के 10-12 पत्तों को पीस लो और पीसने के बाद उसको जहाँ सांप ने काटा है उस पर लेप कर दीजिए और 10-12 पत्तों को आप चबाइए, जिसको सांप ने काटा है उसको चबाइए, और ऊपर से साथ में काली मिर्च भी 7-8 दाने चबा दीजिए और हर 1 घंटे बाद उसको चबाइए, तो लगभग 4 बार ऐसा करने से सर्प का जहर भी उतर जाता है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है, मेरा कोई अनुभव नहीं है। आप चाहें तो गांव देहात में रहते हैं प्रयोग करके देख सकते हैं आपत्ति काल, आपदा की स्थिति में। तो सेक्स पावर को भी ये शुक्राणु को बढ़ाने वाला है, हालांकि ये स्वप्न दोष को भी दूर करता है यदि रात्रि में आप इस तरह से लेते हैं, लेकिन खबरदार, दवा को लेने के बाद कम से कम आपको 2 बार पेशाब करने जाना है, माने इतने टाइम तक जगते रहना है, सो मत जाना, नहीं तो लिंग में जान बन जाएगी और स्वप्न दोष हो सकता है, आपके लिंग से टपक टपक वीर्य झड़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ताकतवर दवा है। दूसरी बात, वैसे तो तूफानी और सुपर तूफानी चूर्ण भी हमने वैद्य जी से बनवाए हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होने के कारण सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है और कुछ लोग भरोसा भी नहीं करते हैं, सोचते हैं गुरुदेव कहीं बेईमानी ना कर पाते, कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि फ्री के दवाओं से ही काम चलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं निरंतर सेवा कार्य जारी रखूँगा जब तक ईश्वर से मुझे प्रेरणा और सामर्थ्य मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो।